नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी और इस वक्त मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज विशेष में हम बात करेंगे मानसून की। शायद कम ही लोग हैं जो मानसून के सभी पहलुओं के बारे में गहराई से जानते हों। आज हम मानसून के तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह भारत के लिए मानसून बेहद जरूरी है, क्या होता है इसका खेती पर असर और मानसून किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। मानसून में हुई देरी के चलते इस साल चिंता का दौर लंबा चला। जून महीने में औसत से कम बारिश हुई, लेकिन अब मौसम वैज्ञानिकों ने आश्वस्त किया है कि बारिश सामान्य रहने वाली है। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ने कहा कि अगले एक महीने में मानसून की स्थिति बेहतर होगी। इस साल बारिश में देरी के चलते कई सवाल भी उठे, इनमें मानसून पर जलवायु परिवर्तन के असर से लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी तक शामिल रहे। पिछले कुछ दिनों में हुई झमाझम बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कम बारिश से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि धीरे धीरे हालात में सुधार हो रहे हैं, मौजूदा हालात खतरे के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मध्य और पूर्वोत्तर भारत में आने वाले हफ्तों में बारिश सामान्य रहेगी। जुलाई में 93% बारिश होने का अनुमान है, तो वहीं 15 अगस्त तक भारी बारिश की उम्मीद की जा रही है। पहले 6 सप्ताह में मानसून की कमी 43% थी, तो आने वाले सप्ताह में ये 32% रह गई। कहने का अर्थ ये दूसरे शब्दों में कि लगभग 11% मानसून में वृद्धि हुई है। आंकड़ों के आधार पर हम ये सबको आश्वासन देना चाहते हैं, देशवासियों को भी, एक सुखद समाचार है। अगर बीते कुछ दिनों में मानसून नहीं आता तो आपात स्थिति पैदा होने की आशंका जताई जा रही थी। बीते हफ्ते सामान्य से 24% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन महीने भर पहले की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल उलट थी। पिछले 113 साल में महज 12 दफे इतनी कम बारिश जून के महीने में देखी गई है। गुजरात और राजस्थान में 80% की कमी दर्ज की गई। कम मानसून की वजह से किसानों से लेकर अर्थव्यवस्था के जानकारों तक की पेशानियों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि 1 जून से लेकर 14 जुलाई तक देश में 41% कम बारिश हुई। खाद्यान्न उत्पादन के लिए मशहूर मध्य भारत में सबसे ज्यादा 55% की कटौती दर्ज की गई, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 53% कम बारिश हुई। दक्षिण भारत में 29% के अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 25% कम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक इसके पीछे अल नीनो को एक कारण मान रहे हैं। ट्रिसल जैसी रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि कम बारिश से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन कृषि वैज्ञानिक अपनी तैयारी को पर्याप्त बताते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन और सेंट्रल प्लेन में करीब करीब कंट्री का आधा चावल राइस का प्रोडक्शन होता है और मेज और मिलेट्स का करीब करीब 2/3 प्रोडक्शन होता है। तो ये और यहाँ पर मानसून डिपेंडेंस भी है और जहाँ प्रोडक्शन भी कि यहाँ कम होगा। मान लीजिए मानसून नहीं आता है समय से, तो एक तो हमारे वहाँ जो जलाशय हैं वो करीब करीब पिछले साल 10 साल का एवरेज था 70% फिलअप थे, इस समय तक वो आज 25% तक फिलअप है। तो हमारी कैपेसिटी इरिगेशन की बेटर है पहले से। जून के आखिर में दिल्ली सहित उत्तर भारत में मानसून के पहले पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें देरी हुई और मौसम वैज्ञानिकों के अनुमानों पर सवाल भी उठे। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि वो जिन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मानसून का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। उनकी कोशिश रहती है कि सही आंकड़े बताए जाएं। मौसम के बारे में 3-4 स्तर पर जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं और उसी तरह अनुमान भी सार्वजनिक किए जाते हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगा रखे हैं, हमारी कन्वेंशनल ऑब्जर्वेटरीज हैं, अपर एयर स्टेशंस हैं, सैटेलाइट के माध्यम से बहुत ज़्यादा हमको विंड डाटा मिलता है, सी सरफेस टेम्परेचर डाटा मिलता है, वो सारे डाटा को एनालाइज किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कम दबाव के क्षेत्र कहाँ बने हुए हैं, नमी वाली हवाएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और साथ में इतना ज़्यादा हीटिंग वगैरह है कि नहीं है कि जो बादल बन सकें और बादल ऊंचाई तक जा सकें और फिर बादल ऊपर जाने के बाद वो बारिश दे सकें। हालांकि अनुमान के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक को लेकर कुछ विशेषज्ञ आशंका जाहिर करते रहे हैं। उनके मुताबिक जितनी तकनीक चाहिए फिलहाल मौसम विभाग के पास उतनी उपलब्ध नहीं है, लिहाजा कई दफा अनुमान गलत साबित हो जाते हैं। जो फोरकास्ट होना चाहिए
जो 5-6 दिन के लिए सही फोरकास्ट होना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डॉपलर वेदर रडार अभी भी नहीं लगे हैं इंडिया में, खास करके हिमालयन रीजन्स में बहुत ही कम है, कोस्टल रीजन में फिर भी बेटर है। मेरे ख्याल से 55 राडार की बात हुई थी पिछली 5 वर्षीय योजना में, शायद 20 या 22 अभी लगे हैं, तो उसकी बैकलॉग अलग ऑलरेडी है, ऊपर से हमको और चाहिए। तो ये जब तक हम डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस नहीं लगाएंगे, हमारी जो फोरकास्टिंग सिस्टम है या वार्निंग सिस्टम है वो अपर्याप्त ही रहेगा। हालांकि पिछले दिनों हुई कम बारिश के बाद किसानों में ये उम्मीद जगी है कि अगस्त में मॉनसून तेज होगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अगस्त में बारिश सामान्य नहीं हुई तो 2002 और 2009 की तरह खाद्य उत्पादन फिर से प्रभावित हो सकता है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती के लिए मॉनसून कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गर्मी के दिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, गांव और शहर में दिन रात मॉनसून पर चर्चा होती है। किसान खरीफ फसलों के लिए मॉनसून का इंतजार करता है, तो शहरों में गर्मी से राहत के लिए। आखिर मॉनसून है क्या और ये कैसे आता है, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस सूने आसमान में घने काले बादल यूं ही 4 महीने के लिए नहीं आते, वो पानी बनाने वाली मशीन की तरह काम करते हैं, तब जाकर मॉनसून दस्तक देता है। गर्मी के मौसम में ये प्रक्रिया तेज हो जाती है, तापमान के बीच फर्क से भौगोलिक हलचल बढ़ जाती है, तपती धरती पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है और तापमान के साथ साथ दबाव में भी फर्क आ जाता है। जमीन ज़्यादा गर्म हो जाती है और जो समुद्र हमारे हैं वो कम गर्म होते हैं, तो समुद्र का प्रेशर बढ़ जाता है, ज़मीन का प्रेशर कम हो जाता है, तो हवाएं ज़्यादा प्रेशर से जो समुद्र में होता है वहाँ से ज़मीन की तरफ जहाँ कम प्रेशर होता है आनी शुरू हो जाती हैं और वो हवाएं अपने साथ बहुत ज़्यादा नमी लेके आती हैं। हवा में घुली नमी बारिश का शुरुआती रूप है। हिमालय नम हवाओं को दूर जाने से रोकता है और टकराने के बाद इन हवाओं के चलते भारत सहित पाकिस्तान और बांग्लादेश में तेज बारिश होती है। इस बारिश को हम मॉनसून बुलाते हैं। हिमालय जैसे बहुत पहाड़ी, उस पहाड़ी क्षेत्र से जब पौने आ करके मिलती हैं तो ऊपर उठने लगती हैं, क्योंकि एक बैरियर के रूप में वो काम करता है और ऊपर उठने से कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और उसमें प्रेसिपिटेशन होता है। ये एक ब्रॉडर जो है पूरे हमारा भारत का जो समर मानसून जो कहते हैं। वक्त के साथ धीरे धीरे जब हवा में नमी की मात्रा कम होने लगती है तो बादल बनना कम हो जाता है और महीने दो महीने में बारिश बंद हो जाती है। इस दौरान समुद्र और जमीन के बीच वायु दाब का अंतर भी सामान्य हो जाता है, प्रक्रिया उल्टी हो जाती है और अब हवाएं समुद्र की तरफ लौटने लगती हैं। इस दौरान तमिलनाडु सहित देश के कुछ हिस्सों में बारिश होती है, इसे विंटर मानसून कहते हैं। मॉनसून को लेकर कई सिद्धांत हैं और अलग अलग व्याख्याएं भी हैं, लेकिन तापमान और दबाव को मुख्य कारण मानने पर सभी एकमत हैं। कई तरह के थियोरी आई उसमें, थर्मल थियोरी है, जेट स्ट्रीम फोन का है, ICZ है, मैं सबको मिला करके जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, ये एक ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जो मानसून को। ठंड में देश के पश्चिमी हिस्से में भी बारिश होती है, ये सामान्य प्रक्रिया के तहत भी होती है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी। हालांकि मॉनसून मोटे तौर पर दक्षिण एशिया की परिघटना है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे मुल्क है जहाँ की भौगोलिक बनावट कुछ इस तरह की है कि वहाँ भी गर्मी के ठीक बाद तेज बारिश देखी जाती है। इनमें अफ्रीका के देश भी शामिल हैं, लैटिन अमेरिका के देश भी और उत्तर अमेरिका के देश भी शामिल हैं। कैमरा पर्सन सुदीप तो के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। अब तक हमने देखा कि मॉनसून बनने की प्रक्रिया क्या है और किस तरह से ये देश पर अपना असर डालता है। अब हम बात करते हैं किसानों की। मॉनसून दरअसल किसानों के लिए जीने मरने का सबब है, क्योंकि देश में कुल बोई जाने वाली जमीन का 60% हिस्सा पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर होता है।
देश के 6 राज्यों को छोड़ दें तो बाकी प्रदेशों में आधी जमीन तक भी सिंचाई के साधन नहीं हैं। असम और झारखंड जैसे राज्यों में तो 95% खेती बारिश पर निर्भर है। यहां अगर मानसून ने धोखा दिया तो किसान दाने दाने के लिए तरस जाते हैं। बुंदेलखंड और विदर्भ बड़ी संख्या में पलायन और किसानों की आत्महत्या के लिए कुख्यात हैं। इसके पीछे सूखा एक बड़ा कारण है। पंजाब से लेकर के और बंगाल तक, उसमें आप इरिगेशन का क्षेत्र थोड़ा सा छोड़ दीजिए, हरियाणा, ये इंडज मेनली हम मान सकते हैं, थोड़ा जमुना का एरिया है, आप इधर आ जाइए यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, एंड पार्टिकुलरली इवन उत्तर प्रदेश में ही दो क्षेत्र हैं, जैसे कि नहीं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मानसून आप और मेरे लिए तो एक असुविधा हो सकता है कि ज़्यादा वर्षा पड़ गई और हम घर से नहीं निकल सके, मगर किसान के लिए तो वो जीवन और मौत का सवाल हो जाता है, क्योंकि अगर वर्षा सही समय पर नहीं आई वो ही सब चीज़ को खराब कर सकती है। जाहिर है मानसून पर देश का खाद्यान्न उत्पादन काफी हद तक टिका है। अपवादों को छोड़ दें तो जिस साल बारिश कम होती है उस दौरान खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी देखी गई। इनमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण 1965-66, 1971-72, 1987-88, 2001-02 और 2009 के हैं। हालांकि बफर स्टॉक में मौजूद खाद्यान्न इन कमियों को पूरा करने में हर बार सफल रहा है, लेकिन सूखे के इन वर्षों ने सिंचाई व्यवस्था को और ज्यादा चौकस करने की जरूरत समझाई। यदि हम पुराने अनुभव पे जाएं, तो सबसे खराब साल जो है 2002-03 का था, जब ड्राउट ईयर था, काल का साल था, उसमें जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो करीब 38 मिलियन टन कम हुआ था पिछले उससे पहले साल से। इसी तरह से हम 87-88 का भी ड्राउट ईयर देखें, जब सब नॉर्मल मानसून था, या 2009-10 का देखें तो उसमें कोई 14-15 मिलियन टन प्रोडक्शन कम होता है फूड ग्रेन्स का ऐसी सिचुएशंस में। लेकिन यदि कंटिंजेंसी प्लान्स ठीक से यदि बनाई जाएं तो इस लॉस को हम कम कर सकते हैं। हालांकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मानसून की अनिश्चितता को देखते हुए कुछ नए बीज खोजे हैं जो देर से बोए जाने के बावजूद बराबर उत्पादन देने के काबिल हैं। कृषि मंत्रालय फसलों की इस नई कैटेगरी को ज्यादा लोकप्रिय बनाना चाहता है। ऐसा बताया जा रहा है कि सूखे पर काबू पाने में ये मददगार साबित होंगे। पहले होता था जैसे जो भी राइस की वैरायटी या मेज की वैरायटी या जो भी हम ग्रो करते हैं, पहले इसकी इसका जो है ड्यूरेशन बहुत लंबा होता था। जैसे राइस का 140-160 डेज तक होता था, अब हम लोगों ने उस ड्यूरेशन को कम करके 120-130 डेज तक ला दिया है, और प्रोडक्टिविटी उसकी उत्पादकता उतनी ही है। इसका मतलब हुआ कि पर डे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो जो चीज़ हम 150 दिन में ग्रो करते थे, जितना ईल्ड लेते थे, उतना ही प्रोडक्शन अब ले रहे हैं हम 120 दिन में। लेकिन उत्पादन की बराबरी के बावजूद मानसून से होने वाले सारे लाभ जमीन को नहीं मिल पाते। जमीन के अंदर तक समाई नमी खरीफ से लेकर रबी के मौसम तक फायदा पहुंचाती है, लिहाजा बारिश से जमीन में बनी एक समान नमी सिंचाई के कृत्रिम साधनों से नहीं बन पाती। जहाँ तक सूखे का सवाल है, क्रमशः हमें कम से कम किस प्रकार से हम पानी के ऊपर इस प्रकार की कृषि की ओर हम बढ़ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव ना हो, ये आवश्यक। और उन उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है, उनमें कैसे हम सिंचाई के साधनों को उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम वाटर स्ट्रेस्ड कहते हैं, मॉइस्चर स्ट्रेस इनमें ज़्यादा है, लेकिन इनमें जिन फसलों का उत्पादन अभी हो रहा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग करती है। मानसून के आगे पीछे होने से फसल प्रभावित ना हो, इसके लिए लाइफ सेविंग इरिगेशन पर जोर दिया जा रहा है। एरिया स्पेसिफिक प्लान बन रहे हैं और पानी की उपलब्धता के मुताबिक फसलों को बदलने की सलाह भी दी जा रही है। मानसून की अनिश्चितताओं को देखते हुए खेती के नए तरीके ईजाद हो रहे हैं, तकनीक का असर बढ़ा है और साथ में नई किस्म के बीज भी खोजे जा रहे हैं जो असल में मानसून से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सके। लेकिन छोटी जोत के किसानों के लिए हालात अब भी जस की तस है, क्योंकि उन तक ये तमाम तकनीकें पहुंच ही नहीं पा रही है और उनकी ज़िंदगी इन फ़ायदों से अब भी महरूम है।
कैमरा पर्सन नवीन के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। विशेष में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे उन इलाकों के लिए मानसून का क्या महत्व है जहाँ की ज्यादातर जमीन सिंचित है। विशेष में एक बार आप सभी का स्वागत है। कम ही लोग ये जानते हैं कि आसमान से बरसे पानी का बहुत कम हिस्सा ही हम उपयोग में ला पाते हैं। आपको बता दें कि अनुमान के मुताबिक बारिश का 70% हिस्सा बिना किसी रुकावट के नदियों और सागरों से जा मिलता है और बचा पानी ही हम खेती या फिर किसी दूसरे काम में इस्तेमाल कर पाते हैं। बरसात में भूजल में इजाफा तो जरूर होता है, लेकिन इस पानी को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के साधन बेहद खर्चीले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के खेत काफी धनी हैं। यहाँ के किसान फसल लगाने के लिए आसमान की तरफ टकटकी नहीं लगाते। यहाँ सिंचाई की नहरें, तालाब और ट्यूबवेल समेत तमाम साधन मौजूद हैं। ये क्षेत्र देश के 40% उन इलाकों में गिने जाते हैं जहाँ सिंचाई के बंदोबस्त हैं। यहाँ के किसान समय पर फसल बोते हैं और समय पर ही काटते हैं। मानसून की इन्हें ज्यादा फिक्र नहीं। ट्यूबवेल है अपनी, बारिश का तो कोई समय ही नहीं है, बगैर बारिश की होगी। और एक महीने बाद आप आके देखना चाहे 2 महीने बाद आके देखना तो बढ़िया ही होगी, बगैर बारिश की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश की वो है। नहर किनारे जो खेत नहीं है वहाँ ट्यूबवेल मिलेंगे, लेकिन मुश्किल यही ट्यूबवेल है। इसके लिए बिजली सप्लाई ना काफी है, लिहाजा अगर दिन की बजाय रात में बिजली आई तो इन किसानों के लिए रत जगह हो जाता है। और अगर कुछ दिनों तक बिजली नहीं आई तो पूरी खेती डीजल पर जाकर टिक जाती है जिसका वजन जेब नहीं उठा पाती। उसकी सिंचाई बस ये समझिए किस्तों में कर रहे हैं। लाइट तो मिलती है जबकि नाम है 16 घंटे, मिलती है कुल 6 घंटे, और 6 घंटे भी कभी ट्रिप आ रहा, कभी फॉल्ट हो गया 2-2 घंटे में, और ये होता कि नाली से पानी निकला और अभी खेत तक पहुंचा फिर भाग गई। इंजन नहीं है, इंजन अगर डीजल हम ना चलाए तो हम तो गंजे हो जाएंगे। जनरेटर चला रहे हैं जब धान लगा रहे हैं, उसमें पर डे हमारा कम से कम 3,000 रुपये लीटर का, 3,000 रुपये पर डे 24 घंटे में फूक देते। डीजल की महंगाई ने सिंचाई को प्रभावित किया है। सिंचाई की जिन इलाकों में पहुंच है वहां पर इस तरह की मुश्किलों से किसान को दो चार होना पड़ता है। लिहाजा मानसून के बदले जो विकल्प खड़ा किया गया है उस पर और ज्यादा समर्थन की दरकार किसानों को महसूस होती है। जो सिंचित क्षेत्र वाले वो मुख्यतः इस समय ग्राउंड वाटर पर निर्भर है, और देश के बड़े भूभाग में जो संयंत्र चलाए जा रहे हैं इरिगेशन के लिए वो अभी भी बिजली पर आधारित ना होकर डीजल पर आधारित हैं। तो बहुत हद तक डीजल की अवेलेबिलिटी और बिजली की अवेलेबिलिटी ये निर्धारित करती है कि ये जो 45% जो सिंचित क्षेत्रफल है इसमें भी सिंचाई किस हद तक हो पाती है। बाकी जो 55% क्षेत्रफल है वो अभी भी वर्षा पर आधारित है। देश में कई ऐसी नहरें हैं जिनको लेकर किसानों के बीच शिकायतों का लंबा पुलिंदा है। समय पर पानी नहीं मिलना इनमें सबसे अहम है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की पट्टी खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अव्वल है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 43% खाद्यान्न यहीं उपजता है, लेकिन आधुनिक तकनीक के साथ होने वाली खेती में सिंचाई फिर भी एक सवाल बनी हुई है। फसल लगाने के लिए ये जमीन अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। धान का सीजन है, लिहाजा कुछ दिनों में इस खेत में धान की रोपनी होनी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये वो इलाका है जहां पर सिंचाई की सुविधा मौजूद है। ज़्यादातर खेतों में आप जाएंगे तो वहां पर ट्यूबवेल दिख जाएंगे, लेकिन जिन किसानों के पास ट्यूबवेल नहीं है वो अब भी मानसून की बाट जोह रहे हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, बुलंदशहर। और आइए अब जानते हैं कि आर्थिक विकास और मानसून का क्या रिश्ता है। देश के आर्थिक विकास पर मानसून का सीधे तौर पर प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिनके जरिए मानसून अर्थव्यवस्था पर अपना असर डालता है। हालांकि ज्यादातर लोग मानसून को सिर्फ खेती तक सीमित करके देखते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है।
बीते कुछ दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में जिस तरह कृषि का योगदान घटा है, उसमें कम उत्पादन के बावजूद जीडीपी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाती। लेकिन मानसून की वजह से खेती अगर मार खाती है तो जीडीपी के आंकड़े सीधे तौर पर भले ही ना बिगड़े, लेकिन अर्थव्यवस्था की हाल पर चोट जरूर पड़ती है। अगर मानसून अच्छे नहीं होते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन इकोनॉमी में जनरेट होता है। जिस प्रकार से आज फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है फूड ग्रेन्स की, या जो मुनाफाखोरी होती है उस पूरे विपणन की व्यवस्था में, उससे इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस और मजबूत होंगे और ज़्यादा संभावना बढ़ेगी कि मुद्रास्फीति बढ़े। आज़ादी के वक्त देश की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 50% था, अब ये घटकर 14% तक आ गया है। लिहाजा अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बारिश और जीडीपी के बीच के संबंध ऐसे नहीं हैं कि वो हलचल पैदा कर दें। लेकिन कुल आंकड़ों के इस मामूली से फेरबदल के साथ बड़ी आबादी की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है मानना, क्योंकि जो टोटल हमारी देश की सकल घरेलू उत्पाद है, जिसको जीडीपी हम बोलते हैं, उसका 14% करीब एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन कृषि पर आधारित जो जनसंख्या है वो करीब 50-55% के करीब आज भी है। एग्रीकल्चर में यदि 14% कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल जीडीपी का, तो यदि प्लान आउटले हम देखें, टोटल प्लान आउटले सारे सेक्टर्स में जो जाता है उसका यदि परसेंटेज देखें, तो एग्रीकल्चर में केवल 8% के करीब है। लेकिन खेती के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो मानसून से परोक्ष या अपरोक्ष तरीके से जुड़ी हुई हैं। एक तो आपके पावर सेक्टर पर डेफिनेटली इसका असर पड़ता है। दूसरा, जो रूरल एरिया की इकोनॉमी अगर ग्रो नहीं किया तो एफएमसीजी पर भी असर पड़ता है। अगर आप 2008 की जो रिसेशन की बात हो रही थी पूरी दुनिया में, उस समय भारत में क्यों नहीं हुआ, एक ये भी था कि रूरल प्रॉस्पेरिटी थी, तो एफएमसीजी और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की जो बिक्री है वो रूरल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। खाद्य मुद्रा स्फीति बीते कुछ सालों से जिस तरह बड़े राजनीतिक मसले के तौर पर मौजूद है, उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। समय के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग और सेवा क्षेत्र की निर्भरता लगातार बढ़ी है, और इस दौरान अर्थव्यवस्था के दायरे से खेती का महत्व लगातार कम हुआ है। लेकिन मानसून पट्टी की खेती और खेती पट्टी की बड़ी आबादी के लिए आज भी जीडीपी के आंकड़े में होने वाले बदलाव से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, और इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सिरा साल के 2-3 महीने वाले मानसून के साथ जुड़ा हुआ है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। पिछले सालों से मानसून के आने जाने के वक्त और बारिश की मात्रा पर फर्क नजर आ रहा है। बीते 2 दशकों में जलवायु परिवर्तन पर भी बातचीत तेज हुई है, और इसके कारण हो रहे बदलावों पर काफी चिंता जाहिर की गई। आशंका इस बात को लेकर भी जताई जा रही है कि जलवायु परिवर्तन ने मानसून को भी प्रभावित किया है। आइए देखते हैं जलवायु परिवर्तन और मानसून के बीच के संबंधों की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। हाल ही के कुछ अध्ययन बताते हैं कि मानसून का चरित्र अतिरेकी हो गया है। पुणे के राष्ट्रीय जलवायु केंद्र ने 1901 से लेकर 2003 के बीच सालाना बारिश का अध्ययन किया। उसने पाया कि कुछ इलाकों में बारिश पहले से ज्यादा तेज हो रही है और कुछ इलाकों में इसकी मात्रा कम हुई है। हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज के अध्ययन भी इसी तरफ इशारा करते हैं। पर्यावरणविदों का एक तबका मानसून के इस चरित्र के लिए जलवायु परिवर्तन को कारण मानता है। पूरे साल में 100 घंटे आती है एवरेज में, 100 घंटे खाली वर्षा होती है, और अगर वो 100 घंटे भी कम होते जाएं, क्योंकि वर्षा अब ज़्यादा आ रही है मगर कम समय में आ रही है, तो ये क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर है। दूसरा बड़ा असर है कि बहुत वेरिएबल होती जा रही है, कि कुछ पूरी तरह से समझ में नहीं आता कि कहाँ होगी, कब होगी और किस समय पर होगी, किस सीज़न पर होगी, और सीज़न भी बदलता जा रहा है, देर से आती जा रही है, तो मॉनसून हमारा जरूर बदल रहा है। जुलाई और अगस्त के महीने में इलाकेवार बारिश की समानता कम हुई है। मॉनसून के इस अतिरेकी चरित्र ने सरकार को नई योजना बनाने की तरफ मोड़ा है। अगर एक खास इलाके में मॉनसून ने अपना चरित्र बदला तो इसका असर वहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये देश की पूरी भौगोलिक संरचना को प्रभावित करता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ये तो मान रहे हैं कि मानसून में बदलाव आया है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, इस पर वो आशंका जता रहे हैं।
जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, IPCC की रिपोर्ट है, वो भी ये कहती हैं कि हाँ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ जाएंगे, मानसून की बारिश में जो लाइट रेनफॉल डेज हैं, हल्की हल्की बारिश वाले दिन कम हो जाएंगे, और या तो बारिश ज़्यादा होगी या बारिश कम होगी, उस तरह के इवेंट्स आ जाएंगे, ज़्यादा होने लगेंगे। और इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी है, लेकिन अभी भी इसको पूरी तरह से कन्फर्म एकदम कह देना कि हाँ ये बदलाव आ ही गया है और ये आगे भी जारी रहेगा, वो अभी उसके लिए और डाटा की ज़रूरत है, और कुछ सालों का, साल बल्कि मैं कहूँगा और कुछ डिकेड्स का डाटा चाहिए। मॉनसून में आए इस बदलाव से होने वाले संभावित खतरे को टालने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हर साल तैयारी करता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा गोदावरी बेसिन में बाढ़ लगभग हर साल आती है। इसी तरह विदर्भ और बुंदेलखंड सूखे का इलाका है। प्राधिकरण ऐसे इलाकों के लिए वार्निंग सिस्टम जारी तो कर रहा है, लेकिन उसे और ज्यादा तेज बनाने पर भी विचार चल रहा है। हर साल एक फ्लड सीजन के पहले एक मीटिंग होती है, पूरे राज्यों के रिलीफ कमिश्नर्स या डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरीज को बुला के वो करते हैं, लेकिन वो कुछ रूटीन सा हो गया है। लेकिन आज ज़रूरत यह है कि एवरीडे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, आज आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब कौन सा, मेरे ख्याल से कोई ऐसा गाँव नहीं है जिसमें शायद मोबाइल फ़ोन ना हो, तो हमको ये चाहिए कि भाई हर गाँव का एक मोबाइल फ़ोन का नंबर कम से कम अथॉरिटी के पास हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर कोई वार्निंग देना है कम से कम एक आदमी को उस गांव में आप अलर्ट कर दीजिए। आपदा के चलते किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए कंटिंजेंसी प्लान भी बने हैं। कृषि मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन किसानों के अलावा बाकी लोगों को होने वाला नुकसान चिंता का विषय बना हुआ है। राहत बचाव कार्य से आगे मॉनसून के इस बदलाव पर लगाम कसना सरकार के हाथ में नहीं है। पिछले 100 साल में हालांकि सालाना बारिश में ज्यादा फर्क नहीं आया है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये बारिश जितने समय में होती थी उस समय में कम ज़्यादा का फ़र्क नज़र आ रहा है। यानी सामान्य बारिश के लिए जितना टाइम चाहिए वो पूरी बारिश उससे कम समय में हो जा रही है, और कई दफ़ा उतनी बारिश के लिए सामान्य से ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। और मानसून के इस बदलते चरित्र ने हमारे सामने चिंता की नई लकीर खींच दी है। दिलीप खान, राज्यसभा TV, दिल्ली। विशेष में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहें राज्यसभा TV के साथ। नमस्कार।